हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से 63 वैकेंसियों की नोटिफिकेशन निकाली है डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए, और इस नोटिफिकेशन की एडवर्टीजमेंट डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों, इन सभी 63 डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जुलाई 2021 से शुरू हो जाएंगी और आप 6 अगस्त 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ दोस्तों, इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल डाला हुआ है, जिसमें कि जो आपका प्री एग्जाम होना है फेज वन में, उसकी जो टेंटेटिव डेट बताई हुई है वो 10-10-2021 बताई हुई है, और जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वो दिसंबर 2021 में यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सैलरी और अलाउंसेस की। एट प्रेजेंट डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका जो इनिशियली बेसिक पे होगा वो 39,900 रुपए होगा, और जो बाकी के अलाउंसेस होंगे वो एज पर गवर्नमेंट रूल कैंडिडेट को यहाँ पे दिए जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों, इन सभी 63 वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कितनी सीटें डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए रखी गई है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। इसमें वो सभी कैंडिडेट इन सभी 63 वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ ही कैंडिडेट ने 10वीं 12वीं में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, साथ ही कैंडिडेट के पास यहाँ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज का सर्टिफिकेट है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इन सभी 63 वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें जो आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर की नॉलेज जो मांगी गई है, उसके लिए भी जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो 6 अगस्त 2021 रखी गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। इन सभी वैकेंसियों पे 18 से 35 साल तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो क्लोजिंग डेट यानी कि 6 अगस्त 2021 रखी गई है। इसी तारीख के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की उम्र जो है यहाँ पे वो कंसिडर की जाएगी। इसमें दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसमें जो सबसे पहली कैटेगरी में जो रिलैक्सेशन है वो उन एम्प्लॉयज को दिया गया है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में गुजरात स्टेट में वर्किंग है, या एनी अदर हाई कोर्ट, किसी भी अदर हाई कोर्ट के अंडर में कोई भी सबोर्डिनेट कोर्ट है अगर उसमें कोई भी वर्किंग एम्प्लॉय है, तो उनको अपर एज लिमिट में यहाँ 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एसटी एसईबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट जो कि गुजरात ओरिजिन के हैं, उनको यहाँ पे 5 साल का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया गया है। वुमेन कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को अपर एज लिमिट में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जितने भी हैं उनको एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड प्लस में 3 साल का यहाँ पे अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एससी एसटी एससीबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उन सब की जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 350 रुपए रखी गई है, और इन सब कैंडिडेट को छोड़कर बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे बचते हैं उन सबको यहाँ पे 700 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम की। इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो 2 फेजेस के एग्जाम के बाद होगा। पहले फेज में कैंडिडेट का प्री का एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, और ये पेपर जो होगा वो कुल 100 नंबर का होगा, और फर्स्ट फेज के एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को सेकंड स्टेज के एग्जाम यानी कि मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और ये पेपर भी जो होगा वो 100 नंबर का होगा। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं फेज वन में जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा उस टेस्ट के बारे में। तो जो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होना है ये 100 नंबर का होगा। इसकी टेंटेटिव डेट जो बताई है यहाँ पे वो 10-10-2021 बताई गई है। इस पेपर में कैंडिडेट से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो 1 नंबर का होगा। इस पेपर में कैंडिडेट की 0.33 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। पेपर जो यहाँ पे आपका आएगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इस पेपर में कुल जो 25 क्वेश्चन जो गुजराती लैंग्वेज सेक्शन की हैं वो सिर्फ गुजराती में आएंगे, उसके अलावा बाकी पूरा पेपर जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और इस पेपर को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे कुल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके अलावा जो इस पेपर का सिलेबस है उस सिलेबस की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यही सारे सब्जेक्ट्स जो हैं कैंडिडेट से इस प्री के एग्जाम में या जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा इसमें कैंडिडेट से यहाँ पे पूछे जाएंगे। और यहाँ दोस्तों, जो आपका ये प्री का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, यानी इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाएंगे। इस पेपर के थ्रू सिर्फ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके आपके मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा,
और जो कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होना है या फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होनी है वो सिर्फ मेंस के नंबर के बेसिस पे ही इन सभी पोस्ट पे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपके मेंस के रिटन एग्जामिनेशन की। ये पेपर जो होगा वो कुल 100 नंबर का होगा। ये पेपर टेंटेटिवली जो शेड्यूल कर रखा है इन्होंने वो दिसंबर 2021 में कर रखा है। इस पेपर को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को कुल 3 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। इस मेन एग्जाम को जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए में कैंडिडेट से जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस पार्ट के लिए जो मैक्सिमम नंबर रखे गए हैं वो 50 मार्क्स रखे गए हैं। सेकंड पार्ट में कैंडिडेट से जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि जीके का पार्ट भी जो है वो इक्वल नंबर यानी कि 50 नंबर यहाँ पे कैरी करेगा। आपका जो सिर्फ मेन्स का एग्जाम होगा उसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कैंडिडेट्स का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। जो आपका ट्रांसलेशन पार्ट है उस पार्ट में जो है वो सिर्फ गुजराती लैंग्वेज पूछी जाएगी। उसके अलावा जो पूरा पेपर होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। यहाँ दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इन्होंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई हुई है। कैंडिडेट को ये सारे ही डॉक्यूमेंट जो है वो हाई कोर्ट में सबमिट कराने होंगे जब भी हाई कोर्ट इनसे ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे मंगवाता है तब। तो इन सारे ही डॉक्यूमेंट जो इन्होंने यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में बताए हुए हैं उनकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।